Yeah, I will not take much of your time. वो एग्रीमेंट आपको देना चाहिए. So ये हर एक एग्रीमेंट का जो आपका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, हर एक एग्रीमेंट का कॉपी एंड बिल्डिंग अप टू प्लान, और इसके अलावा एक आर्किटेक्ट से भी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपका प्लॉट के ऊपर कोई बैलेंस FSI वगैरह है क्या, तो इसके बारे में भी एक सर्टिफिकेट लेके आपको ये एप्लीकेशन डीड ऑफ कन्वीनियंस एक एफिडेविट पे आपको बनाना पड़ेगा. उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है. एक एप्लीकेशन, एक एफिडेविट और आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट, हर एक मेंबर का एग्रीमेंट, कन्वीनियंस डीड, बिल्डिंग अप्रूव्ड प्लान, सोसाइटी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और आपका प्रॉपर्टी कार्ड, ये सब चीज इकट्ठा करके इसको हर एक एग्रीमेंट को सर्टिफाइड ट्रू कॉपी बना के आपको कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास सबमिशन करना पड़ेगा. एक बार आपका डॉक्यूमेंट कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास सबमिशन हो गया, सो वो ऑफिसर एक एक एग्रीमेंट वेरीफाई करेगा कि इन्होंने जो भरा हुआ स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर है या उसमें कोई डेफिशिएंसी है करके. तो अगर डेफिशिएंसी वगैरह है तो ही विल रेज द पेंडिंग स्टैम्प ड्यूटी ऑफ सच मेंबर ऑन द डीड ऑफ कन्वीनियंस. अभी हमने देखा है कि बहुत यहाँ का बहुत सारा बिल्डिंग जो है 1985 का है, 86 का, 87 का है, तो उस टाइम पर ऐसा सलाह दिया जाता था कि अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो लोगों को एग्रीमेंट स्टैम्प ड्यूटी मतलब रजिस्टर करने का एग्रीमेंट रजिस्टर करने का जरूरत नहीं है, तो आप अगर चाहिए तो स्टैम्प ड्यूटी बाद में भर सकते हैं. यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स का आपका सोसाइटी में ऐसा भी होगा कि उन्होंने 10 रुपए के ऊपर एग्रीमेंट बनाया, कि जैसा कि प्रायर टू 1985 लोगों को ऐसा एक शंका था कि 1985 के पहले स्टैम्प ड्यूटी नहीं थी, 5 रुपए जो भरा तो वो काफी है, तो इस तरह का शंका था. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप जब फ्लैट परचेज करते हो तो वो सब अगर आप एग्रीमेंट देखते हो, दैट वॉज कंडीशनल एग्रीमेंट. शायद आपने बिल्डर से खरीदा रहेगा कि 1.5 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा है, तो उस टाइम पर लिखा है कि आपने 50,000 रुपए उनको दिया, बाकी का 1 लाख रुपए जो है पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद देता हूँ. तो इस तरह का अगर आपका 1985 का पहले का एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट को कंडीशनल एग्रीमेंट बोला जाता है, आई मीन एग्रीमेंट फॉर सेल. सो एग्रीमेंट फॉर सेल प्रायर टू 1985 की 5 रुपए ही उसका स्टैम्प ड्यूटी अट्रैक्ट होती थी. लेकिन एक बार आप एग्रीमेंट आपका कंडीशन आपने कंप्लाई करने के बाद आपको सेल डीड या कंफर्मेशन डीड बनाना जरूरी था, और जब आप कंफर्मेशन डीड बनाते हो तो उस टाइम पर आपको एग्रीमेंट के ऊपर कंफर्मेशन डीड के ऊपर पूरा स्टैम्प ड्यूटी भरना चाहिए. तो इस तरह का प्रावधान था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी. तो अगर आपका अगर ऐसा कोई मेंबर का अगर बहुत सारा एग्रीमेंट वगैरह है तो उस एग्रीमेंट को आज का बाजार वैल्यू बाजार मूल्य के ऊपर मुद्रांक लग सकता है, लेकिन उस जो स्टैम्प ड्यूटी को जो आज का बाजार मूल्य को अगर आप कम कराना चाहते हो तो अगर आपने 1985 में फ्लैट लिया है करके आपको कुछ ना कुछ प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसा कि ठोस सबूत, टेलीफोन बिल है, 1985 में आपने फ्लैट पोजिशन लिया तो टेलीफोन बिल आपके नाम पे होगा या इलेक्ट्रिक बिल आपके नाम पे होगा, या अगर कोई फैमिली मेंबर का बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट, ऐसा कोई ठोस सबूत जो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो. सोसाइटी का कोई भी डॉक्यूमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज ए प्रूफ. तो ऐसा सब डॉक्यूमेंट वगैरह आप सबमिशन करने के बाद वो आपको ओल्ड मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, एंड आज का जो स्टैम्प ड्यूटी जो है 5% वो आपको कन्वीनियंस डीड के ऊपर कलेक्ट करेंगे. सो ये एजुडिकेशन प्रोसेस है. और बहुत सारे लोगों का एग्रीमेंट भी जो है 1985 के बाद लोगों को मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन नहीं, लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे लोगों ने कि अगर उस टाइम पर एग्रीमेंट आप लॉन्च करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए तुरंत आपको एग्रीमेंट रिटर्न नहीं मिलता था, जैसा कि आज रजिस्ट्रेशन होके तुरंत नहीं मिलता था तो पुनः जाता था, तो लोग क्या करते थे, स्टैम्प ड्यूटी उसके ऊपर बाद में भर सकते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होने के नाते हमें तो अभी तो मेंबरशिप तो मिल रहा है, तो ऐसा सब डॉक्यूमेंट जो है ना तो उनका स्टैम्प ड्यूटी पूरी नहीं रहती है. लेकिन यहाँ अगर उन्होंने क्या किया रहता कि अगर उनका एग्रीमेंट वैल्यू 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए के ऊपर उस टाइम का जो मार्केट वैल्यू के सॉरी एग्रीमेंट 5 लाख के हिसाब से उन्होंने उस रेट पे ड्यूटी भरी रही, लेकिन 5 लाख रुपए एक्चुअल मार्केट वैल्यू नहीं था. 1985 के बाद दो कंसेप्ट चालू हो गया, वन इज एग्रीमेंट वैल्यू, वन इज मार्केट वैल्यू. सो आपको व्हिचएवर इज हायर, मार्केट वैल्यू या एग्रीमेंट वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर, ऑन दैट यू आर रिक्वायर्ड टू पे स्टैम्प ड्यूटी. बट यहाँ पर क्या हुआ कि अगर ऑलवेज अगर आप देखते हो तो वहां पर मार्केट वैल्यू ज्यादा था, एग्रीमेंट वैल्यू कम था, लोगों ने क्या किया एग्रीमेंट वैल्यू के ऊपर ड्यूटी भरा. तो ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो उस पर उनको खुद को अलग से एजुडिकेशन प्रोसेस, इंडिविजुअल एग्रीमेंट भर उन्होंने सबमिशन करके उनका जो पेंडिंग स्टैम्प ड्यूटी विद पेनल्टी एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ
और मैक्सिमम 200% पेनल्टी लग सकती है, तो वो अपना अपने आप वो लोग कंप्लीट करके ले सकते हैं। बट अगर वो ना करते हुए अगर आप एजुडिकेशन में प्रोसेस में डालते हो, ये आपका पेंडिंग स्टैंप ड्यूटी वगैरह जो है वो कन्वीनियंस डेट के ऊपर लिया जाएगा। ओके और इससे पहले बहुत सारे एमनेस्टी स्कीम आए थे, 94 में 95 में आया था, 2004 में आई थी, 2008 में आई थी। तो ऐसा जो 97 का एग्रीमेंट, 96 का एग्रीमेंट, जो जिसने अगर मार्केट वैल्यू के ऊपर स्टैंप ड्यूटी ना भरते हो एग्रीमेंट वैल्यू के ऊपर भरा रहेगा, तो वो बेनिफिट ले सकते थे एमनेस्टी स्कीम के अंदर। जिसने एमनेस्टी स्कीम के अंदर बेनिफिट लिया है तो उसको अलग से स्टैंप ड्यूटी अभी भरने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार हर एक मेंबर का एग्रीमेंट वगैरह वेरीफाई करने के बाद, सो वो और कोई बैलेंस एफएसए वगैरह है क्या प्लॉट के ऊपर, दैट आल्सो ही विल वेरीफाई। अगर बैलेंस एफएसए वगैरह है प्लॉट के ऊपर तो लैंड पोस्ट के हिसाब से वो लोग स्टैंप ड्यूटी उसके कन्वीनियंस डेट के ऊपर रेज करेंगे। देन आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप चेक भी दे सकते हो सोसाइटी से, सॉरी एक बार एजुडिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ही विल डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर इतना स्टैंप ड्यूटी भरना चाहिए करके, और कलेक्टर ऑफ स्टैंप जो है आपको डिमांड नोटिस इशू करेगा। एक बार डिमांड नोटिस इशू करने के बाद आपको 2 महीने का टाइम रहता है वहां पर, सो 2 महीने के अंदर ही आपको वो स्टैंप ड्यूटी वहां पर सबमिशन करना पड़ेगा। आप स्टेट बैंक के स्टेट बैंक में भर सकते हो स्टैंप ड्यूटी, IDBI में भर सकते हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भर सकते हो, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स वगैरह जो है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑलरेडी नियुक्त किया तो उनके थ्रू स्टैंप ड्यूटी लिया जाएगा। एंड आपने स्टैंप ड्यूटी भरने के बाद वो कलेक्टर ऑफ स्टैंप्स सर्टिफाई करके दे देगा कि दिस प्रॉपर डॉक्यूमेंट इज प्रॉपरली स्टैंप करके। ये प्रक्रिया होने के बाद आपको वापस जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास एग्जीक्यूशन करने के लिए कि वो लैंड ओनर, बिल्डर, कंफर्मिंग पार्टी, जितना भी कंफर्मिंग पार्टी है उनके बिहाफ में डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। एंड ही इज अ गजेटेड ऑफिसर, ही नीड नॉट अपीयर बिफोर दी रजिस्ट्रार, बिकॉज अगर आप दूसरा कोई अगर डॉक्यूमेंट देखते हो, कोई अगर 4 पार्टी है 5 पार्टी है, हर एक पार्टी को सब रजिस्ट्रार के सामने आना जरूरी है। बट ये एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी आपको कन्वीनियंस करके दे रहा है, एंड ही इज अ गजेटेड ऑफिसर, और गजेटेड ऑफिसर को रजिस्ट्रेशन एक्ट में एग्जेम्पशन है, ही नीड नॉट कम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो वो एक एग्जीक्यूशन करके डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार आपको एक लेटर दे देगा, बेस्ड ऑन दैट लेटर आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको उसका कन्वीनियंस डेट का सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेना पड़ेगा, इंडेक्स 2 लेना पड़ेगा, इंडेक्स 2 लेके लेटेस्ट प्रॉपर्टी कार्ड लेके आपको कलेक्टर ऑफ सॉरी सिटी सर्वे ऑफिस में एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा नेम चेंज प्रोसेस के लिए। सो वहां पर एक 15 दिन के अंदर आपका नेम चेंज प्रोसेस का प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो जाता है। ये भी होने के बाद नेम चेंज प्रोसेस कलेक्टर सिटी सर्वे ऑफिस में होने के बाद भी आपको एक BMC में भी एक नाम चेंज कराना पड़ता है जहां पर आपका प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह आता है। तो अगर आप आज देखते हो तो सोसाइटी का नाम ऊपर रहता है और नीचे लैंड ओनर का नाम रहता है। सो तो लैंड ओनर का वहां से आपका नाम लैंड ओनर का नाम हटाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन BMC का वाटर डिपार्टमेंट एज वेल एज प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट दोनों जगह पर आपको सबमिशन करना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन योर आपका जो कन्वीनियंस डीड, प्रॉपर्टी कार्ड, ये सब के बेसिस के ऊपर वो अपना नाम आपका सोसाइटी का नाम ही रखेंगे और बाकी उनका नाम हटा देंगे। सो इसके साथ मैं कंक्लूड करता हूँ, आपका कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो उसके लिए आई एम ओपन।